अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स उड़ा रहे हैं। अगर ये अपने बच्चे हमारे साथ तारकेश्वर साई जुड़ चुके हैं, प्रदेश संयोजक हैं, विशिष्ट वीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के स्वागत है, और विनय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, उनका भी स्वागत है। और बड़ी गंभीर बात की उन्होंने कि अगर नेताओं के और सरकारी शिक्षकों के सरकारी अधिकारियों के अगर बच्चे पढ़ने लगे तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का कायाकल्प हो जाएगा। बात तो बड़ी सटीक है। फिर डीएम साहब नहीं कहेंगे कि साही जी, विनय कुमार जी, आप चुनाव आयोग का काम आया है, जरा कर लीजिए। फिर उन्हें चिंता होगी कि मेरा बच्चा कहीं फेल ना हो जाए, तो वो कहेंगे चुनाव आयोग का हम किसी और आदमी से कराते हैं, आप स्कूल जाइए। साही जी क्या कहेंगे, कल तो 15 जून को आपका ज्ञापन प्रदर्शन है, सरकार से आर पार लड़ाई लड़ने का आप तो मंसूबा बन गया है। पांडे जी को प्रणाम, विनय जी को नमस्कार, आपको प्रणाम। सर अब बिगुल तो बच चुका है, करण वेरी बच चुकी है, अब गेंद योगी जी के हाथ में, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया वही प्रकारांतर से तमाम नौकरता भांग पी पी के लगे हुए हैं उनको समझाने में। आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ही हो, कल वाला जो आदेश आया था वो पंचर बनाने वाला, पंचर बनाने वाला, जूस निकालने वाला, ये सब किसकी संकल्पना हो सकती है? जुड़ना तो लोग यहीं से बोलेंगे, सबको मौका नहीं मिलता बोलना। पांडे जी जरा अपना माइक ऑफ कर लें, पांडे जरा माइक ऑफ कर लें, मनोज जी भी आ गए हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर, ये बेसिक शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं ये दिग्भ्रमित लोग हैं, जो भी नीति नियंता हैं वो दिग्भ्रमित हैं कि इनको पकौड़ा तलने वाला बच्चा चाहिए कि इनको देश के शीर्ष पर जाने वाला बच्चा चाहिए, ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो चाय वाली बात हो गई, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या ये संकल्पना किसकी हो सकती है? थोड़ा मिश्रा जी, थोड़ा आप गहरी पैठ आपकी है, थोड़ा पता करके बताइएगा कि पकौड़ा तलने का सुझाव किसने दिया है? हम तो ना पकौड़ा तलवाएंगे बच्चों, यही आईआईटी अहमदाबाद में क्लास है लेने जाते हैं, गुजरात में प्रधानमंत्री जी को बताते हैं पकौड़ा तलवाइए, पंचर जुड़वाइए, यहाँ समाज में पंचर बाबू के नाम से एक समाज का बहिष्कार करोगे, प्राइमरी के बच्चे को पंचर, क्योंकि आप नहीं चाहते हो गांव के गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, आप चाहते हो कि वो इसी काबिल रहे कि ना हमसे रोजगार मांगे, ना हमसे शिक्षा का अधिकार मांगे, ना हमसे स्वास्थ्य का अधिकार मांगे, वो केवल पंचर पकोड़ा चाय जूस तक सिमट के रह जाए। जहां तक मैं जानता हूं हिंदुस्तान के शीर्ष पद पर अगर राष्ट्रपति मैडम बैठी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, प्रदेश में राज्यपाल है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये सभी लोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ये अमेरिका में नहीं पढ़े, उसी प्राथमिक विद्यालय में जिसमें प्रयोग कर रहे हैं उसी में पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर कोई तो गुरु हमारे आपके बीच का ही पढ़ाया होगा ना उन लोगों को, ये क्या साबित करना चाहते हैं? भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो भारत का बेहतर नागरिक बनाने के लिए शिक्षक बनने का फैसला किया था। हम प्राइमरी के बच्चों को ऊपर देखना चाहते हैं, शीर्ष पदों में देखना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस पीसीएस पीपीएस हम बनाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण सोच है नौकरशाहों की, और इस सोच के वजह से आज शिक्षक मैदान में है, आंदोलनरत है।
ये टैबलेट, अरे क्या किसको टैबलेट तुम खिला रहे हो? हम उस डॉक्टर को बनाने का काम करते हैं जो टैबलेट आपको खिलाता है। हमको टैबलेट नहीं खिला पाओगे आप, आपको भ्रम है। हमसे टकराने वाला, मैं फिर कहता हूं कि हम चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, हमारा इतिहास है, इतिहास हमारा है घनानंद से लेकर और अभी अखिलेश यादव तक। शिक्षकों ने सबको मटिया मेट करने का काम किया है। जो कांग्रेस की सरकार शिक्षकों के ऊपर घोड़ा दौड़ाने का काम किया, उस कांग्रेस की सरकार पुनः वापस नहीं आ पाई। के बाद भाजपा के दो दो मुख्यमंत्री, माननीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, शिक्षकों के साथ बुरा व्यवहार किए थे, पद दलित करने का काम किए थे, कुचलने का काम किए थे और अंत में समझौता करना पड़ा। 15 साल लग गए सर, 15 साल लग गए भाजपा को सत्ता में वापस होने में। बहन जी की बात भी कर दूं, बहन जी अपने कार्यकाल में, उनका 2-3 कार्यकाल रहा, छोटा कोई बड़ा, कोई पूरा 5 साल था, कभी भी किसी शिक्षक संगठन से, किसी कर्मचारी संगठन से बात करने की जहमत नहीं उठाने का काम किया। और जब वक्त आया 12 का, तो हम शिक्षकों कर्मचारियों ने नारा दिया था कि शिक्षक बटन दबाएगा और हाथी जंगल जाएगा, जंगल भेजने का काम किया। विश्वास के साथ नई सोच के व्यक्ति को, माननीय अखिलेश यादव पे हम लोगों ने भरोसा किया। देखिए सत्ता का चाल और चरित्र दोनों एक होता है। सत्ता में कोई रहे, हमको लड़ना है, लड़के ही पाना है, सत्ता किसी की भी हो। अखिलेश यादव जी भी बहन मायावती जी के कदमों पे चलते हुए कभी किसी से मुलाकात नहीं की। एक बार गोरखपुर में आए थे, मदन मोहन मालवीय जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने आए थे, बड़े मुश्किल से दौड़ के मैं अपना मांग पत्र उनको उन तक पहुंचाया था, बड़ी कठिन दौड़ लगी थी हमारी, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। सत्ता में जब जोगी जी नहीं थे, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखे थे कि एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था है, आप ओपीएस लागू करिए, आप आज सत्ता में हैं तो सबकी ओपीएस लागू करनी चाहिए आपको, आप अगर समझते हैं तो। अब तो आप में किसी का बंधन भी नहीं है, किसी का दबाव भी नहीं। हम लोगों ने वो काम किया,